नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको रोहू मछली बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 किलो रोहू मछली लिया था। इसको कटवाने के बाद ये कम हो गया है, यानी हमारे पास ये 850-850 ग्राम के लगभग रोहू मछली है, जिसे मैंने नमक, हल्दी और नींबू के रस में मैरिनेट करके आधा घंटा पहले रख दिया था। तो चलिए अब सामान देखते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये 2 बड़े बड़े पोट लिए मैंने लहसुन के, 1.5 चम्मच है सरसों, प्याज 1 बड़ा, जीरा, काली मिर्च, अदरक, इनका पेस्ट बनाएंगे हम। और ये नींबू का रस मैं और डालूंगी मछली में इसके तलने के लिए, और इसको हम बाद में भी खाते हैं। जब खाना खाते हैं तब हम नींबू के रस का यूज करते हैं मछली में डालने के लिए। आपकी मर्जी है, डालें चाहे ना डालें, मैं इसे अलग रखती हूँ। तो इनका पेस्ट बनाना है। और चाहिए हमें टमाटर, 3 कटे हुए, धनिया पत्ता, 3 मैंने हरी मिर्च को चीरा लगा के लिए, आप बारीक बारीक भी काट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। मसालों में हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और ये 5 फ़ोरन। तो चलिए, और सरसों तेल, पानी। तो चलिए हम सरसों तेल डाल लेते हैं अंदाजे से, जिसमें हम फिश को तल सकें। तो मैंने इसमें नींबू डाल दिया, और अब मैं इसे, और ये मैंने तेल भी डाल दिया। जब तक तेल गर्म होता है हम पेस्ट बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए हम इसका पेस्ट बनाते हैं। लहसुन, सरसों, और हमेशा याद रखिएगा कि जितना सरसों होता है उससे हम डबल लेते हैं धनिया पाउडर। जैसे मेरे पास 1.5 चम्मच है तो मैं उसमें धनिया पाउडर लूँगी लगभग 3 से 4 चम्मच। तो चलिए हम इसे पानी के साथ थोड़ा पेस्ट बना लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच, ये हमारा मसाला पिस चुका है, और मैंने ये 1 चम्मच इसमें डाल दिया, भर के 1 चम्मच, और अब थोड़ा नमक और थोड़ा हल्दी। और मैंने पहले नींबू, हल्दी और नमक डाल के मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रखा था। अब मैं जब मसाले मैंने पीसे हैं, वो नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के मैं इसको फिर से वापस मैरिनेट कर रही हूँ। और अब हम इसको रखेंगे नहीं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं, और नींबू का रस डालूँगी दोबारा से 2 चम्मच। अब मैं इसे और आधा नींबू निचोड़ देती हूँ। आधा मैंने पहले मैरिनेट करके रखा था, आधा नींबू, आधा चम्मच नमक और हल्दी से आधे घंटे के लिए रखा था। अब मैं मसाले डाल के और नींबू का रस, यानी हमारा पूरा 1 नींबू इसमें डल गया मैरिनेट में। तो अब मैं इसे हाथों से मिला लेती हूँ। चलिए हमारा मैरिनेट हो चुका है। तब मैं सभी को कढ़ाई में डालती हूँ। चलिए हम एक एक करके इसको डाल देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, और जब तक तेल गर्म ना हो तो ना डालें, नहीं तो ये नीचे से चिपकने शुरू हो जाती है। जो हमारा स्किन वाला है साइड, वो मैं सबसे नीचे रख ली। आप कितना संभाल पाए फिर कढ़ाई में, आप उतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, या आप नहीं संभाल पाएंगे। चलिए अब हम इसे होने देते हैं। चलिए देख लेते हैं, जब तक ये हमारे आराम से ना पलटे हमें नहीं पलटना चाहिए। देखिए बिल्कुल आराम से, कभी भी मछलियों के साथ ज़बरदस्ती नहीं पलटना होता है, बिल्कुल आराम से। ये अभी हुए नहीं इतने, और बहुत ही धीरे हाथों से, नहीं तो हमारी मछलियाँ टूट जाएंगी। देखिए
अब हम इनका जगह चेंज करेंगे और इनको बाहर की तरफ और इन मछलियों को अंदर की तरफ करेंगे। जितना आराम से इनको पलटेंगे ये उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलिए हम इसे सुनहरा होने तक तल लेते हैं। चलिए ये हमारा हो चुका है, अब मैं इसे निकाल देती हूँ किसी दूसरे बर्तन में। ये देखिए मैंने सारे निकाल लिए, अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। तो चलिए अब हम मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम इसी तेल में 5 फ़ोरन डालते हैं, आँच कम रखेंगे। 5 फ़ोरन हो गया, और अब मैं इसमें सूखे मसाले डालती हूँ। ये 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्च, अगर तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिए। और मैंने 1.5 चम्मच सरसों लिया था तो मैं लगभग 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। 2, 3 और 1, 4 और नमक स्वाद अनुसार, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना नमक खाते हैं। और इसको मैं जस्ट सेकंड, कुछ सेकंड के लिए इसको भूनूंगी। अब हमने जो मसाले तैयार किए थे पेस्ट, अब हम उसमें ये डाल देते हैं, ये प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज, अदरक, मिर्च, लहसुन और सरसों, उन सबका मैंने पेस्ट बनाया था, उनको मैं डाल देती हूँ। पर पानी नहीं डालेंगे, ये मसालों के साथ ही इसको भूनेंगे। जब ज़रूरत हो, लगे कि हाँ हमारे मसाले जरूर रहे तो हम पानी डालेंगे, वरना पानी डालने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम टमाटर भी डालेंगे। ये मैं अभी पानी नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च, जीरा और लहसुन और सरसों का, उसी को डालने से हमारे मसाले भून रहे। और अब मैं इसमें मिर्च, सॉरी टमाटर ऐड करूँगी और मिर्च को और इसे हम मसाला भूनने तक या टमाटर के गलने तक भूनेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे तरह से भून चुका है, टमाटर सारे अच्छी तरह से गल गए हैं। और ये किनारे पे देखिए, ये आपको तेल दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब है हमारा मसाला भून चुका है। और मैं अब इसमें पानी डालूँगी, इतना गाढ़ा तो हम रखेंगे, तो मैं थोड़ा और पानी डालती हूँ क्योंकि जब हम इसमें मछली डालेंगे तो वो ग्रेवी को सोखेगा और गाढ़ा करेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब हमारा मछली पकने में, थोड़ा ही टाइम लगेगा। ये देखिए अब इसे मैंने इस गिलास से 1.5 गिलास पानी डाला है और 1/2 गिलास पानी, आधे से थोड़ा कम लगा मसाला पीसने में। तो मसाले के साथ हमें पानी का अंदाज़ा भी रखना पड़ता है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि हाँ 1 किलो के साथ कितना लगेगा, क्योंकि हम जितना ज़्यादा ग्रेवी बनाते हैं उतना ज़्यादा मसाला हमें लेना पड़ता है और बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो चलिए हम इसे खोलने देते हैं। चलिए खोलने लगा, अब मैं इसमें सारे
मछलियाँ डाल देती हूँ एक एक करके। और इसमें कम से कम इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक मीडियम आंच करके हम इसे ढककर ऐसे ही खोलने देंगे। चलिए हम इसे खोलने देते हैं 10 मिनट से 15 मिनट बिल्कुल कम आंच करके। चलिए ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं खोलते हुए, और इसको मछली को डाल के इसलिए खोलाया जाता है ताकि ग्रेवी इसके अंदर तक, इसको ज़्यादा मत हिलाइएगा यानी नहीं चलाते, ये तो हमारी मछलियाँ टूट जाती हैं। तो चलिए मैं इसमें धनिया पत्ता डालती हूँ और इसको बंद करके ऐसे ही ढककर इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दूँगी। उसके बाद 10 मिनट बाद में हम इसे सर्व करेंगे ताकि और अच्छी तरह इसमें मसाले मछलियों में चले जाएँ। तो चलिए अब इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ और इसे मिला के मैं बंद करती हूँ गैस और ढककर इसे 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से चलाइएगा वरना हमारी फिश टूट जाएंगी। ग्रेवी आपके ऊपर है, आप कैसा ग्रेवी लेते हैं। ये देखिए, ये चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी ऐसा होना चाहिए। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में अधिकतर सरसों के मसाले के साथ ही ये फिश बनती है, और इसका स्वाद सरसों के मसाले के साथ ही आता है और सरसों तेल के साथ। तो चलिए अब हम इसे बंद करते हैं। अभी हमारे सर्व करने के लिए 10 मिनट बाद तैयार हो जाएगी, तो मैं इसे ढककर 10 मिनट रेस्ट करवाती हूँ, उसके बाद मैं सर्व करती हूँ। चलिए मैंने इसे सर्व कर दिया चावल के साथ। आप मैंने इसको दाल चावल और जो मैंने फिश तल के रखे थे मछली को वो मैंने अलग से रखे हैं, इसके साथ नींबू रखा है। ये मेरे घर में सब ऐसे ही खाते हैं, ये सूखी है। और ये मैंने ग्रेवी में जो डाली थी वो है, आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन बिहार में और बंगाल में अधिकतर चावल के साथ ही मछली को सर्व किया जाता है। तो आप भी बनाइए सरसों के मसाले में मेरे तरीके से। और भी तरीके हैं मछली बनाने के, और हर राज्य में अलग अलग तरीका है मछली को बनाने का, और मसालों का अलग अलग कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो मेरे तरीके से बनाइए, खाइए आप एक बार रोहू मछली, और मुझे ज़रूर बताइए अपना अपना तरीका भी बताइएगा दोस्तों कि आपका तरीका क्या है। हाँ, ये थोड़ी ऑयली है, इसमें थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, तो क्या करें। एक स्वाद, एक बहुत पुरानी पीढ़ी जो थी हमारी नानी दादी, उनके टाइम से ये आ रही है, इसी तरह बनाते हुए हमने देखा है अपनी नानी दादी को, तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है। तो आप भी बनाइए, खाइए और ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरी तरीके से कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आगे भी और से और रेसिपी नॉन वेज के लेके आऊँ और फिश के। तो बताइएगा ज़रूर दोस्तों, और बनाइए खाइए, अपने दोस्तों को ज़रूर खिलाइए, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।